धीरेन्द्र की पोटली का राज, जादूगरी की मिस्ट्री देखिए आज। बागेश्वर धाम सरकार की खुली पोल, पोटली में है झोल। बिना पोटली के नहीं करते चमत्कार, बागेश्वर धाम सरकार। लेटर पैड में कहां से आता है फॉर्मूला, रहस्य है मिला जुला। पहले के समय में गांव में अक्सर जादूगर आते थे जिनके पास पोटली हुआ करती थी। उनकी पोटली में तरह तरह की चीजें रहती थी जिससे वो जादूगरी का खेल दिखाते थे। खेल देखने वालों को बहुत मजा आता था और वो खूब इसका आनंद लेते थे। समय बदला तो चीजें भी बदल गई और जादूगर को देखना भूल गए और जादूगर ने भी अपनी जादूगरी से रास्ता अलग कर लिया। लेकिन अब भले ही जादूगरी का खेल नहीं है लेकिन पोटली आज भी है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, इनको देखिए। ये है बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब भला इनको कौन भूल सकता है। आजकल शास्त्री जी खूब चर्चा में हैं, कहीं अंधविश्वास को लेकर तो कहीं विश्वास को लेकर। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर धाम सरकार के पास एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ शायद ही किसी की नजर गई हो, वही जादूगर की पोटली। बस फर्क इतना है, पोटली काले रंग की नहीं है और जादूगरी की चीजें ना होकर सनातन धर्म से जुड़ी चीजें हैं। हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आखिर इस पोटली का राज क्या है, क्या वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार जहां भी कथा के लिए जाते हैं इस पोटली का साथ नहीं छोड़ते। फिल्मों में ऐसी कई तरह की चीजें दिखाई जा चुकी हैं जिनके पास जादूगरी की पोटली या फिर कुछ होता है तब तक उनके पास शक्तियां रहती हैं। क्या बागेश्वर धाम के पास भी जो पोटली है उसमें शक्तियां हैं? ऐसे सवाल इस समय इसलिए उठ रहे हैं कि नागपुर की घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में चैलेंज दिया था, वहां उन्होंने कई करामात भी दिखाए हैं। तो हम बिना देर किए बताते हैं आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो पोटली है उसमें क्या क्या है और क्या है उनका रहस्य। छोटी गदा। छोटी गदा को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाईफाई बताते हैं। उनका कहना है कि इस गदे से उनको चारों तरफ तरंगे आ जाती हैं और उनको शक्तियां मिल जाती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब भी जहां भी कथा शुरू की वहां इस गदे को जरूर निकाला है। कथा शुरू करने से पहले और बीच बीच में छोटी गदा को धीरेन्द्र शास्त्री अपने चारों ओर 6 बार घुमाते हैं और फिर उनके हिसाब से जैसा उन्होंने कहा कि तरंगे आ जाती हैं और उनको शक्तियां मिल जाती हैं। कोकोनट कप। नारियल के आधे हिस्सों को बागेश्वर धाम सरकार ने कप बनाया है। वो चाय पानी इसी कप में पीते हैं, यानी ना पीतल के और ना ही स्टील मिट्टी के कप में पानी या चाय को पीते हैं। कोकोनट कप में चाय पीने को लेकर भी उनका कुछ अलग ही रहस्य है। बागेश्वर धाम सरकार मानते हैं कि कोकोनट कप में चाय पीने से उनको शक्तियां मिलती हैं जिससे वो ऊर्जा कहते हैं। पर्ची और लेटर पैड। पर्ची जो इनकी पोटली का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा बार देखा जाता है। किसी भी भक्त की अर्सी के बाद पर्ची को ही बागेश्वर धाम सरकार पर्ची कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों को इसी पर्ची में मंत्र और वो किस काम के लिए या किस परेशानी से तंग है ये भी पहले से ही लिख दिया जाता है। पर्ची को लेकर ही बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता बढ़ती गई। धीरेन्द्र कृष्ण मानते हैं कि पर्ची में जो है वो ईष्ट देवता से कृपा मिलती है और लेटर पैड में जो लिख दिया गया वो भी कोई काट नहीं सकता। भक्त से मिलने से पहले ही लेटर में उसकी परेशानियां और समाधान को लिख दिया जाता है। वैसे साधु संतों को अक्सर आपने देखा होगा कि वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की वेशभूषा अलग है। शॉल जैसे ड्रेस के साथ साथ हार को पहनते हैं। शास्त्री मानते हैं कि हार से भक्ति की शक्ति मजबूत होती है। हालांकि इन सब के साथ बागेश्वर धाम सरकार की एनर्जी की भी चर्चा है। जोश के साथ और बोलने की कला भी कुछ अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं कि वो बाबा नहीं है बल्कि शास्त्री है, उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है।